दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के रक्षा अध्ययन विभाग के तत्वावधान में नया भारत नई चुनौतियां और नई रणनीति विषय पर एक विशेष व्याख्यान माला का आयोजन संवाद भवन के सभागार में किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ रक्षा पत्रकार एवं विश्लेषक संजय सिंह ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत ने रणनीतिक क्षेत्रों में अपनी छवि में निर्णायक बदलाव किए हैं। नया भारत पहले की तुलना में अधिक आत्मविश्वास से अपनी रक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है और पुरानी धारणाओं से मुक्त यथार्थवादी नीतियों पर अग्रसर है। नए भारत की रक्षा चुनौतियां बेहद भिन्न किस्म की है और उसका समाधान तभी हो सकता है जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषयों को राजनीतिक सहमत से दूर रखें। संजय सिंह ने कहा कि आज हाइब्रिड वॉर, बायोलॉजिकल वॉर, साइबर वॉर और साइकोलॉजिकल वॉर का दौर है। परंपरागत शक्ति के स्रोत और उनके स्वरूप में तेजी से उलटफेर हो रहा है। ऐसे में भारत जैसे बड़े देश की चुनौतियां बढ़ गई हैं। विभिन्न युद्धों और सामरिक घटनाओं के विस्तृत उदाहरण देते हुए उन्होंने बदली रणनीतियों का तुलनात्मक ब्यौरा रखते हुए कहा कि अपरंपरागत चुनौतियों का सामना करने के लिए अपरंपरागत रणनीतियां बनाना जरूरी है। उन्होंने तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि रक्षा सौदों को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप इस प्रक्रिया को धक्का पहुँचाते हैं और इसका असर हमारी तैयारियों पर पड़ता है। इसमें बदलाव के बिना वास्तविक बदलाव की कल्पना अधूरी होगी। कार्यक्रम के पूर्व हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दिवंगत CDS जनरल विपिन रावत सहित 13 सैन्यकर्मियों के प्रति श्रद्धांजलि हुई। इस अवसर पर प्रोफेसर प्रदीप यादव, प्रोफेसर विनोद सिंह, प्रोफेसर श्रीनिवास मणि त्रिपाठी, डॉक्टर जितेंद्र कुमार, डॉक्टर आरती यादव, डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर अनुप श्रीवास्तव, डॉक्टर अंशुमन सिंह सहित अन्य शिक्षक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी एवं शोध अध्येता मौजूद रहे। मुख्य वक्ता के रूप में पधारे श्री संजय सिंह जी, आरती यादव जी, डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, डॉक्टर विजय कुमार जी एवं इस सेमिनार हॉल में उपस्थित सभी रिसर्च स्कॉलर, UGPG के सर्वप्रथम मंचासीन अतिथियों से आग्रह करूंगा। साइंस के पद को सुशोभित कर चुके इस विश्वविद्यालय में प्रतिकुलपत यहाँ मौजूद हैं। मैं रिसर्च कमेटी जो शोधार्थियों द्वारा बनाई गई है मित्रों में से एक हैं। नई चुनौतियां और नई रणनीति इस महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित इस विशेष व्याख्यान में सभा अध्यक्ष के रूप में पधारे हम सभी के गुरु श्रद्धेय प्रोफेसर हरिचरण जी, मुख्य वक्ता के रूप में यहां उपस्थित वरिष्ठ रक्षा पत्रकार, लेखक और विश्लेषक श्री संजय सिंह जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह जी और सभागार में उपस्थित प्रोफेसर प्रदीप कुमार यादव जी, प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह जी, प्रोफेसर श्रीनिवास मणि त्रिपाठी जी, डॉक्टर जितेंद्र कुमार, डॉक्टर आरती, डॉक्टर विजय कुमार और हमारे तीन बहुत खास अतिथि श्री राकेश राव जी, श्री प्रमोद सिंह जी और इंजीनियर AP सिंह साहब, जिनको आप लोग मेरा ख्याल आप सभी जानते होंगे। इस विश्वविद्यालय में जो नव सृजित इंजीनियरिंग फैकल्टी है उसके सलाहकार के रूप में वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप सभी का और प्रिय विद्यार्थियों आपका इस विशेष कार्यक्रम में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये आज की बातचीत हम लोग शुरू करें उससे पहले हम लोग कल की एक बहुत ही दुखद घटना
जिसमें हमने अपने देश का एक बहुत ही जांबाज जनरल खोया है, और वो सिर्फ एक सैन्य अधिकारी नहीं थे, जो लोग भी रक्षा अध्ययन विषय से जुड़े हैं और जिन्हें भी इस विषय के पल पल परिवर्तित जो घटनाक्रम है उससे जिनका परिचय है, वो सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कितना गहरा नुकसान है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक सर्विंग जनरल थे, हमारे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, सर्वोच्च सेनापति थे, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पिछले 5-6 वर्षों में, जब वो थल सेनाध्यक्ष के रूप में आए उसके बाद से, और खासतौर पर जब सीडीएस के तौर पर उन्होंने 2019 में जिम्मेदारी संभाली, तब से इस देश की सेनाओं के आधुनिकीकरण और जिस थिएटर कमान को तैयार करने के लिए अमेरिका को 2 दशक का समय लगा, उसको 2 साल के भीतर एक मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने जिस तरह का परिश्रम किया था, और इस समय जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, ऐसे व्यक्ति और उनके साथ 11 और सैन्य अधिकारियों को हमने कल खो दिया है एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि सबसे पहले हम लोग 2 मिनट का मौन उन वीरों के लिए। डॉक्टर हर्ष कुमार सिन्हा जी को, प्रोफेसर प्रदीप कुमार यादव जी, प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह, प्रोफेसर श्री निवास मुनि त्रिपाठी जी, डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र कुमार, डॉक्टर आरती यादव जी, डॉक्टर विजय कुमार, और हमारे बहुत ही पुराने मित्र और बड़े भाई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के यहाँ जो सलाहकार बनाए गए हैं श्री ए पी सिंह जी, जिनका हमें हमेशा सम्मान और प्यार मिलता रहता है दिल्ली में भी। हमारे मित्र राकेश राव जी हैं, यहाँ पर रेलवे में हैं वो, और हमारे चाचा जी हैं प्रमोद कुमार सिंह। मेरे लिए बहुत ही सम्मान और गौरव की बात इसलिए भी है कि 1986 में मैं 85-86 में मैं यहाँ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में था, बगल की बिल्डिंग थी और मैं एमएससी में था, तब शायद मैंने कल्पना भी नहीं की रही होगी कि बगल की बिल्डिंग में आकर के मुझे विशेष वक्ता के तौर पर कभी आमंत्रित भी किया जा सकता है। और यही नहीं, जब मैं यहाँ जर्नलिज्म कर रहा था तब भी शायद इसका मुझे कभी इल्म नहीं रहा होगा कि मुझे यहाँ आकर के एक वक्ता के तौर पर स्पीच देना है। मैं डॉक्टर हर्ष जी से अनुरोध करूंगा और इजाजत मांगूंगा कि विषय वस्तु पर आने से पहले मैं कुछ मोटिवेशनल बातें करना चाहता हूं छात्रों के साथ। दोस्तों, मैं बहुत ब्रिलियंट स्कॉलर कभी नहीं था, लेकिन मेरा जो 30 साल का जो पत्रकारी अनुभव है, जो मेरा कार्य है, जो मेरा सामाजिक जीवन है, उससे मैंने ये अनुभव किया कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर आप कर्तव्य निष्ठा के साथ और लगन के साथ और शिद्दत के साथ अपने काम में लगे रहें तो मुझे लगता है कि मंजिल मिलती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं तो मीडियाकर हूं या बैक वेंचर हूं, फेलियर हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं। ऐसा नहीं है, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो कि जिन्होंने IAS PCS या बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए और वो बैक वेंचर थे। आप आइंस्टीन का नाम सुना होगा आपने, कितने बड़े साइंटिस्ट थे लेकिन वो बैक वेंचर थे। बहुत सारे ऐसे मेरे साथी हैं जो बहुत ब्रिलियंट नहीं थे लेकिन उन्होंने ISPCS निकाला मेहनत के बल पे, लगन के बल पे। लेकिन इसके लिए जरूरी है समय का संयोजन, और मैंने 2-3 ऐसी बातें हैं जिन्होंने मेरे जीवन में बदलाव किया।
जिनसे मैंने सीखा और जिन्होंने मुझे उत्प्रेरित किया, उन बातों को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मेरे जीवन में दो किताबों का बड़ा महत्व है, एक एल्केमिस्ट जो पाउलो कोएलो ने लिखी है, ब्राजीलियन लेखक है और ये बहुत ही चर्चित किताब है, उसकी सारे देशों की जितनी भाषाएं हैं उनमें उनका अनुवाद हो चुका है। उसमें लेखक एक जगह कहता है कि अगर किसी चीज को आप पाना चाहते हो और दिल की गहराई से पाना चाहते हो तो वो चीज आपको मिलेगी, बस सत्य कि आप दिल से उसको चाहो, दिल से उसको पाने के लिए प्रयत्न करो। किसी चीज को पाने के लिए अगर दिल से आप प्रयत्न करते हैं, मन की सच्चाई से प्रयत्न करते हैं, तो प्रकृति भी आपका साथ देती है, प्रकृति खड़यंत करती है, प्रकृति एक चक्रव्यूह रचती है उस चीज को आपके साथ लाने के लिए। दूसरी किताब है पहला किलमिटिया, ये महात्मा गांधी का की आत्मकथा है, महात्मा गांधी की आत्मकथा है। बहुत लोग सोचते हैं कि महात्मा गांधी की आत्मकथा सिर्फ वही है जो महात्मा गांधी ने लिखी थी, कोई भी व्यक्ति अपने बारे में बहुत कुछ नहीं लिख सकता। महात्मा गांधी ने भी जो कुछ भी लिखा अपनी आत्मकथा में वो बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, लेकिन महात्मा गांधी के जीवन के बारे में एक सामान्य व्यक्ति मोहनदास कैसे महात्मा गांधी बना, साउथ अफ्रीका की पूरी गाथा उस किताब में है। गिरिराज किशोर जो एक बहुत बड़े लेखक थे हिंदी के, बहुत बड़े साहित्यकार, उन्होंने उस किताब को लिखा है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि उन किताबों को पढ़िए। आप बड़े लोगों की जीवनी को अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हमारे ही बीच का व्यक्ति कैसे आगे बढ़ा, वो बहुत ही सामान्य लोग थे, बहुत सामान्य लोग थे। महात्मा गांधी ने जब पहली बार स्पीच दिया, लोगों को संबोधित किया, तो उनके पैर कांप रहे थे साउथ अफ्रीका में। मुझे बहुत ही इस बात का दुख होता है कि वे लोग जो महात्मा गांधी को 10% भी नहीं जानते वे उनकी आलोचना करते हैं, उनको पता ही नहीं कि महात्मा गांधी ने क्या किया था। उस दुबले पतले व्यक्ति में, एक साधारण कद की कदकाठी के व्यक्ति में क्या अदम्य ऊर्जा थी, क्या जिद थी उनके पास, क्या अनुशासन था। तो दोस्तों, अनुशासन के बल पे, समय का संयोजन के बल, आज 4 सालों में मेरी 8 किताबें आई हैं। मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा तीर मैंने मार लिया है, लेकिन समय के संयोजन से ऐसा हो पाया है।